अब बात करते हैं 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन चिकित्सक बनेगा, किसको विदेश जाना है, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन राजनीति के क्षेत्र में जाएगा, कौन भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएगा, कौन विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाला है, कौन रिसर्च करेगा, एकेडमिक करियर किसका अच्छा होगा, ये सारी बातें बताएंगे। कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा रंग आपके लिए लाभप्रद रहेगा और क्या सावधानी बरतें, क्या उपाय करें, सारी बातें आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज का दिन आपका बड़ा अच्छा है। आप जितना पराक्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना ज्यादा आपका भाग्योदय होगा। आज अपने स्किल से बौद्धिक क्षमता के द्वारा धन अर्जित करेंगे और अपने स्किल के द्वारा काफी अच्छा करेंगे। लालित्य कला में रुचि बढ़ेगी। वाहन खरीदने का योग बन रहा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। चारों तरफ से व्यापार में लाभ होगा। अन्य क्षेत्र से भी धनागम होने की संभावना बन रही है। परिस्थितियां अनुकूल है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस वगैरह पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कोई भी नया कार्य करते हैं तो माता पिता की सलाह लेकर के करें, किसी से वाद विवाद न करें। सावधानी क्या बरतनी है, अज्ञात व्यक्ति से कोई भी व्यापार न करें। उपाय क्या करना है, 11 चांदी का चंद्रमा दान करें। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है लाल, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपकी जो सलाह होगी बड़ी कीमती होगी, तो कीमती सलाह देकर धन अर्जित करेंगे। आज आपकी भौतिक क्षमता बड़ी अच्छी होगी। बृहद घर बनाने का योग बन रहा है, बड़ा घर बनवा सकते हैं। वाहन लाभ का योग बन रहा है। भाग्य से व्यापार करने का अवसर मिलेगा। साझेदारी में व्यापार करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए साझेदारी में कोई व्यापार न करें। परिस्थिति अनुकूल है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर व्यापार करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद है। शेयर ट्रेडिंग से धन मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं और यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा हुआ तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, वाहन तेज न चलावें। उपाय क्या करना है, चंद्रमा को अर्घ दें। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा अच्छा है। प्रगति के बहुत सारे सुंदर अवसर आपको मिलेंगे। चारों तरफ से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। मन मुटाव हो सकता है, वैचारिक रूप से किसी न किसी से आज और काफी दिक्कतें आएंगी। अचानक यात्रा का योग बन रहा है। संतान सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। परिस्थितियां अनुकूल है और पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी। यदि आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। आयात निर्यात कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। सरकार में आज आपको उच्च पद प्राप्त होने की संभावना। सावधानी क्या बरतनी है, उतावलेपन में कोई कार्य न करें, बड़ों का सम्मान करें। उपाय क्या करना, हरा वस्त्र दान करें। और आज के लिए शुभ अंक 6, शुभ रंग है आसमानी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक है, आज अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। जितना मन को नियंत्रण में रखेंगे उतना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। एकाग्र होकर अपने कार्यों में ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ध्यान न दें। कौन क्या कहता है इसकी चिंता न करें। प्रगति का योग बन रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता दूर होगी, लेकिन मन में अकारण चिंता रहेगी और हेल्थ वेल्थ को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपने को फोकस करिए, अपने कार्यों में अपने को बिजी रखिए, मन को नियंत्रण में रखिए। अज्ञात भय मन में आ सकता है, उससे बचें और अपने को जितना बिजी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि माता पिता के साथ रहें, उनके सान्निध्यता में रहें और कोई भी कार्य करते हैं तो माता पिता का सलाह लेकर के करें। भाइयों का सुख मिलेगा, पारिवारिक की स्थिति अच्छी होगी, बच्चों के प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, नेगेटिव विचार मन में ना दें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय क्या करना, सफेद वस्त्र दान करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग है पीला, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपको पराक्रम से सफलता प्राप्त होगी। संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा। न्यायालय में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलेगी। आय से ज्यादा खर्च होने से मन दुखी हो सकता है, तो आय से ज्यादा व्यय न करें। अगर लगता है खर्च बढ़ाना है तो खर्च करिए, लेकिन अपने इनकम का जरिया बढ़ाइए। खर्च को लेकर परेशान ना हो, इनकम बढ़ा लीजिए ताकि आपका ठीक रहे, या आय व्यय में सामंजस्य स्थापित करिए। सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद प्राप्ति होगा, स्थानांतरण हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पत्नी का सहयोग मिलेगा, बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, रोग और शत्रु को हल्के में न लें, मध्यम मार्ग अपनाएं और थोड़ा सिंसियर बने। उपाय क्या करना, लाल वस्त्र का दान करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपके इनकम के जरिया में वृद्धि होगी, आय के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी।
नए व्यापार करेंगे, व्यापारिक की स्थिति अच्छी होगी, पिता एवं ससुराल से धन लाभ मिलेगा, संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। कई नए कार्य जो सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, स्थिति अनुकूल है, बौद्धिक क्षमता के द्वारा धन अर्जित करेंगे, लालित्य कला से धन मिलेगा। यदि आप फिल्मकार हैं, कहानीकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है, उससे आपको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। माता पिता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के विवाद समाप्त होगा। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें, कलह एवं विवाद से बचें। उपाय क्या करना, आज काले कुत्ते को रोटी एवं गुड़ खिलावें और आज के लिए आपका जो शुभ अंक है वो 6 है, शुभ रंग है से ग्रीन, लक मीटर 6, हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की, जो तुला राशि के जातक हैं आज अपने संतुलित व्यवहार से लोगों का मन प्रसन्न कर लेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको मल्टी डायमेंशनल क्षेत्र से कई कार्य होंगे, लाभ होगा, अनेक प्रकार के क्षेत्र से धन आएगा, अचानक यात्रा हो सकती है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी, पिता का सुख मिलेगा, माँ का सहयोग मिलेगा, किसी महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद समाप्त होगा, संततियों की प्रगति से मन प्रफुल्लित रहेगा, कई अनेक कार्य आप कर सकते हैं। और सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें, अपने समय का सदुपयोग करें। उपाय क्या करना है, जरूरतमंद को भोजन करावें। शुभ अंक 2, शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज आपको अचानक धन लाभ होने का योग बन रहा है। आप बहुत खराब बोलते हैं, कटु बोलते हैं, तो कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। आज आपकी पदोन्नत होने का प्रबल योग बन रहा है, भाग्य से सारा कार्य संपन्न होगा, भाग्य अनुकूल है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइंस अगर कोई वाद विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विवादित भूमि भवन न खरीदें और अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, किसी स्ट्रेंजर से कोई नया व्यापार न करें। कोई महिला मित्र से आज आपको धोखा मिल सकता है, आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा अपने को आज विशेष तौर से केयरफुल रहने की जरूरत है, तेज गति की गाड़ी न चलावें। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखें, पत्नी का सहयोग करें, विवादों में उलझे नहीं, विवादों से बचें। उपाय क्या करना, चिड़ियों को दाना खिलावें, आज पौधारोपण करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8, हरे कृष्ण। बात करते हैं धनुराशि की, जो धनुराशि के जातक हैं आज आपको आत्मबल से लाभ मिलेगा, विवादों से बचने की जरूरत है, धन धान में बढ़ोतरी होगी, पुस्तक लेखन कार्य से धन लाभ होगा, अकारण मन तनाव में हो सकता है, चिंता हो सकती है, आज आपको शिक्षा में नौकरी मिलेगा, प्रचार हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, HOD हो सकते हैं, और कई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिन से चीर प्रतीक्षित कर सकते हैं, पांडित्य कर्म में रुचि बढ़ेगी, गुरु कृपा से बहुत सारे कार्य संपन्न होंगे, ऑकल्ट साइंस में रुचि बढ़ेगी। अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, जो आपका तिंद्रिय ज्ञान कहता है उसकी बात सुने, उसके दिशा निर्देशन में कार्य करना आपके लिए हितप्रद रहेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कोई चीज कल पर न टालें, जो तत्काल प्रभाव से आज ही करें, जो आज करना अभी करें तत्काल। उपाय क्या करना है, असहाय को भोजन करावें, पीली वस्तु का दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग से ग्रीन, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की, जो मकर राशि के जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि अपने इनर सेंस की बात माने, अंतरात्मा की आवाज को सुने, आत्मबल की बात माने, जो आत्मबल कहता है वो करिए, और आत्मबल से बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे, परेशानियां दूर होंगी, उसी के दिशा निर्देशन में कार्य करें, आप अपने मन को शांत रखें। और आज आपकी पदोन्नत हो सकती है, लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी, पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अत्यधिक खर्च से मन उद्विग्न रहेगा, खर्च पर कंट्रोल करें, परेशानियां थोड़ी मोड़ी आ सकती है लेकिन आप परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, धैर्य से काम लें, आपकी प्रगति होगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में जो परेशानियां दूर होंगी, कोर्ट से लाभ मिलेगा। आज आपको क्या करना है कि सावधानी में अपने जो बड़े हैं, अग्रज हैं, उनकी सलाह को मानना आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप क्या करें कि काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग है काला और लक मीटर है आपका 8, हरे कृष्ण। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जो कुंभ राशि के जातक हैं आज आपके आध्यात्मिक शक्ति से सुरक्षा एवं शांति महसूस करेंगे। आज आपको मिनरल्स और माइंस से लाभ मिलेगा, जीवन संगनी का सहयोग मिलेगा, अनेक क्षेत्र से व्यापार में वृद्धि का योग बन रहा है, व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन माइंस से लाभ मिलेगा, टेक्निकल फील्ड में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं, आयात निर्यात से धन मिलेगा, विदेश में होटल खोल सकते हैं, कुछ बड़ा कार्य करने की संभावना बन रही है और कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। सावधानी क्या बरतनी है, दिल के बजाय दिमाग से निर्णय लें। उपाय क्या करना, काला वस्त्र किसी जरूरतमंद को दे दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी कलर, लक मीटर 7, हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की, जो मीन राशि के जातक हैं
आज आपको अपने संततियों से विरोध हो सकता है, वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता है, आज आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, किंतु जो परिश्रम करेंगे उससे धन लाभ होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, यदि आप टेक्निकल फील्ड में व्यापार करना चाहते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, मेडिकल के फील्ड में कुछ बड़ा कर सकते हैं, और राजनीति में लाभ मिलेगा और पदोन्नत हो सकते हैं, सरकारी उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है। पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता समाप्त होगी, पत्नी को सरकारी नौकरी उच्च पद प्राप्त होने की संभावना बन रही है। सावधानी क्या बरतनी है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव से बचें, उपाय क्या करना, पीला वस्त्र दान करें, शुभ अंक 3 शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 9, हरे कृष्ण।